फाइनली जियो ने अपना सैटेलाइट इंटरनेट सक्सेसफुली इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जियो का स्पेस फाइबर, जिसमें कि किसी भी वायर की झंझट नहीं है, ना ही किसी मोबाइल टावर की, जहां पे आपको केबल सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट मिलेंगे और आप डायरेक्ट इंटरनेट यूज कर सकते हो। अंतरिक्ष से सिग्नल आएगा, मतलब आप सोच रहे हो कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक बढ़ चुकी है। और अभी तक जियो के पास 3 फाइबर बेस्ड इंटरनेट हो चुके हैं, जियो का फाइबर, जियो एयर फाइबर और अब जियो का स्पेस फाइबर। और यहाँ पे IMC के में दिखाया गया है किस तरीके से जियो स्पेस फाइबर काम करेगा। साथ ही में इंडिया के 4 ऐसे रिमोट लोकेशन पर जियो की तरफ से जियो स्पेस फाइबर को डेमोंस्ट्रेट भी कर लिया है और वो भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। गिर गुजरात, कोरबा छत्तीसगढ़, नवरंगपुर ओडिशा एंड ONGC जोटहट आसाम। और ये सब चीज पॉसिबल हुआ है SES कंपनी के द्वारा, जो कि एक यूरोपियन सैटेलाइट बेस्ड कंपनी है और ये सैटेलाइट वगैरह बनाती है, लॉन्च करती है। और इनके पास 70 से भी ज्यादा अर्थ के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं। तो जियो ने इसी के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में सक्सेसफुली जियो स्पेस फाइबर को लॉन्च कर दिया है। और इसके पीछे देखा जाए तो एयरटेल भी वन वेब के साथ पार्टनरशिप करके सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने वाला है। फिर इंडिया में स्टारलिंक भी आने वाले हैं। अब स्टारलिंक कब तक आएंगे इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं मिल रहे हैं। तो इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट काफ़ी जल्दी आपको दिखने वाला है, अलग अलग कंपटीटर आपको दिख जाएंगे, जहां पे आपको किसी भी वायर की झंझट नहीं है, ना ही किसी मोबाइल टावर की। और ये इंडिया में एक नेक्स्ट लेवल का इंटरनेट होगा, क्योंकि इंडिया में आए दिन कभी ना कभी डिजास्टर आते रहते हैं अलग अलग लोकेशन पर। अब जैसे कि किसी एरिया में भूकंप आ जाता है, साइक्लोन आते रहते हैं, सुनामी वगैरह आते रहते हैं, तो वहाँ पर मोबाइल टावर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, मोबाइल टावर गिर जाते हैं और आपको कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, फिर आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते हो या फिर आप इंटरनेट का यूज नहीं कर पाते हो, तो वहां पे सैटेलाइट इंटरनेट आपके लिए बेस्ट रोल प्ले करेगा और आपको एकदम कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी। अब यहां पे सैटेलाइट इंटरनेट देखा जाए तो जो जियो का स्पेस फाइबर है वो मिलता जुलता है जियो के एयर फाइबर टेक्नोलॉजी से, क्योंकि जियो एयर फाइबर में भी लगभग सेम टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। फर्क इतना है कि जो जियो का स्पेस फाइबर है उसमें जो भी सिग्नल आएंगे उस सैटेलाइट की मदद से आएंगे, जबकि यहाँ पे जो जियो का एयर फाइबर है वो आपको मोबाइल टावर के मदद से मिलते हैं। और यहाँ पर भी आपको जियो स्पेस फाइबर के अंदर में इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट देखने को मिलेंगे। अब आउटडोर यूनिट आपके घर के छत के ऊपर में लगाए जाएंगे, जैसे कि आपके घर के छत के ऊपर में अभी DTH का छतरी लगाया गया होगा, उसी तरीके से यहाँ पे जियो स्पेस फाइबर का भी एक छतरी आएगा और वहाँ से एक वायर निकलेंगे जो कि आपके इंडोर यूनिट में उसे कनेक्ट किया जाएगा। फिर आप वहाँ पे वायरलेस तरीके से अपने डिवाइस को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। साथ ही में अप टू 10 GBPS का स्पीड मिलेगा। और जियो स्पेस फाइबर उन सभी एरिया में काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा जो एरिया भी रिमोट लोकेशन पर है, जहां पे इंटरनेट नहीं है या फिर इंटरनेट है लेकिन कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। जियो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम वहां पे और भी मल्टीपल टावर्स को इंस्टॉल करें, तो वहां पर ये जियो स्पेस फाइबर की मदद से इंटरनेट को भेज सकते हैं, या फिर ग्रामीण एरिया में स्वास्थ्य केंद्र हो गया, पंचायत भवन हो गया, तो वहां पर भी इंटरनेट आसानी से भेजा जा सकता है। और जियो का यही मोटिव है कि ये जो रिमोट लोकेशन है उन्हीं को करेंगे, कोई भी यहां पे सिटी में टाउन में आपको जियो का स्पेस फाइबर मिलने वाला नहीं है। और यहां पे जो भी जियो का मेंटेनेंस कोस्ट होता है टावर का वो भी कम जाएगा, क्योंकि यहां पे रिपेयर करने के लिए डायरेक्ट ये जियो सैटेलाइट स्टेशन हब से ही उसे रिपेयर कर देंगे। वैसे यहां पे स्टारलिंक भी आने वाला है, एयरटेल वन वेब के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाले हैं, तो देखते हैं कि कब तक लाते हैं। वैसे आप जियो स्पेस फाइबर के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। वैसे अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।